काफी फ्लेक्सिबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं और मेरी बहन मार्केट जा रहे हैं मेरा नया ट्राइपॉड लेने। अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा ट्राइपॉड पूरी तरीके से टूट चुका है। मैंने एक दो बार उसे कोशिश करी थी वो सही कुछ से चिपकाने की, बट बिल्कुल भी चिपक नहीं पाया था और बल्कि और ज़्यादा टूट चुका है। तो अभी आज हम नया ट्राइपॉड लेने जा रहे हैं। बस बहन थोड़ा सा तैयार हो रही है और उसके बाद हम निकलते हैं मार्केट के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको बाजार में। तो चलिए, देखिए मेरे घर के नीचे, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और इतनी ड्रिल मशीन वगैरह की साउंड होती है ना, पूरी वीडियो इफेक्ट हो जाती है। मतलब मैंने इतनी बार ट्राई करा वीडियो बनाने का, पर धड़ 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 करके पूरी मतलब ऐसे ही हो चुका है। मतलब इतनी आवाज़ आ रही थी कि बहुत ज़्यादा वीडियो इफेक्ट हो रही थी। तो अभी हम निकलते हैं। ये मेरी बहन ने पहन रखी है स्पाइडी की ड्रेस, और रास्ते में मेरे को इसकी फ्रेंड को भी लेना है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब इसको यहाँ पे रोड खराब हो रखी है ना, तो उसकी मम्मी घर पे है नहीं, तो इस वजह से मेरे को इसको लाना पड़ेगा इसके साथ खेलने के लिए। अकेली नहीं आ सकती ना वो, क्योंकि रोड वगैरह खराब है और बच्ची है। तो सो फ्रेंड्स, मैं अपना ट्राइपॉड यहाँ से लेने वाला हूँ, जगदम्बा फोटोज, और इससे पहले वाला भी मैंने यहीं से लिया था। तो चलिए दुकान के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये वाला ट्राइपॉड पसंद आया, और मतलब इसकी खास बात मुझे लगी, अंकल ने बताया, मतलब इसकी जो स्टैंड है काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अंकल, मतलब ये साइकिल वगैरह में हो जाएगा आराम से हैंग हो जाए? साइकिल में लगा लीजिए, किसी भी चीज़ में लगा लीजिएगा, ये फ्लेक्सिबल है। ये आप इसको DSLR कैमरा वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, और फ़ोन वगैरह भी आराम से। ये फ़ोन वगैरह के लिए फ्लेक्सिबल है, ना ये टूटेगा ना कुछ होगा। काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और इसकी खास बात यह है कि ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे साइकिल वगैरह के ब्लॉग्स में भी यूज़ कर सकता हूँ, और इजली मैं इसको घर में नॉर्मल वीडियोस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मतलब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही मुझे ये अच्छा लगा। फाइनली मैं अब ले रहा हूँ, इसके सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सो फ्रेंड्स, ट्राइपॉड तो ले लिया है और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मम्मी को भी दिखाएंगे घर जाके, देखते हैं मम्मी को कैसा लगता है। फिलहाल अभी हमें रास्ते से अपनी बहन की दोस्त को भी पिक करना है। मैं पब्लिक में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मतलब आज मैं तीसरी बार निकल रहा हूँ पब्लिक के बीच में ब्लॉगिंग करते हैं, और मुझे कुछ ऐसा अब लग नहीं रहा। मतलब बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, और बट अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब जो भी मर्जी देखिए। शुरुआत में जब पहली बार था मैं पब्लिक में ब्लॉगिंग कर रहा था, तब थोड़ी हेजिटेशन हुई थी। तो मेरी बहन की दोस्त का घर यहीं पर है, पता नहीं कैसी एकदम सुनसान सी जगह है। तो नीचे की तरफ रहती हूँ, वहाँ पर थोड़ा ठीक है। देखो आपको बच्चे दिख रहे होंगे, जा बुला के ले आ। मेरी बहन गई अपनी दोस्त को बुलाने। ये मेरी बहन की जो दोस्त है उसके भाई लोग हैं। ओम इधर आओ, हाय बोल दो सब कैमरे में। तो फ्रेंड्स, अब मेरी बहन और उसकी दोस्त आ चुकी है। राधिका हाय बोल दो। बोल दिया। आप भी बोल दो, कब बोले, एक और बार बोल दो। हेलो। आप भी बोल दो हिमांशी। हेलो। तो अब निकलते हैं हम घर के लिए, तो चलिए मिलेंगे आपको घर पे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मंदिर है, और मैंने अपना ट्राइपॉड खोल लिया, और मैं इसको थोड़ी देर भगवान जी के चरणों में रख रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि भगवान है तो सब है फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा हमें ना कोई भी काम करने से पहले ना भगवान जी को सबसे पहले याद करना चाहिए, तब वही हमारे को मतलब रास्ता देते हैं आगे का। और फ्रेंड्स, मैं अभी इसको थोड़ी देर यहीं पर रहने दूंगा, और उसके बाद इसे यूज़ करूँगा। फिलहाल अभी घर का कुछ सामान लाना है, तो वो लेकर आता हूँ, और उसके बाद आपसे बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बाज़ार से आ चुका हूँ, और अब मैं इसको मम्मी को दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम मम्मी थोड़ा बिजी थी तो मैं मम्मी को दिखा नहीं पाया। तो मतलब मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ कि मम्मी को कैसा लगा। मम्मा इधर आओ, मम्मा आपको कैसा लगा? ट्राइपॉड लेके आए? हाँ, बहुत सुंदर है बेटा। अच्छा लगा इसमें? मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए मैंने इसको खरीदा। चलो ठीक है, तुम्हें अच्छा लग गया ना? हाँ जी, तो फ्रेंड्स मम्मी को तो ये पसंद आ गया। मम्मी बोली तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, गणेश जी का नाम लेके इसको यूज़ करते हैं, और सबसे पहले मैं इससे अपनी फुटबॉल की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फुटबॉल इज लव। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुका अपने आज के जगलिंग चैलेंज करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने अपने नए ट्राइपॉड में अपना फोन सेट कर दिया, और काफ़ी मस्त लग रहा है, और काफ़ी कम्फर्टेबल है ये वाला ट्राइपॉड, मतलब अच्छा लग रहा है इससे वीडियो बनाने में। तो चलिए अपना
आज के चैलेंज को शूट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं हम अपने नेबर्स की छत में और यहीं पे हम आज का जगलिंग चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए अब ट्राइपॉड सेट करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ अपना जगलिंग चैलेंज। और ये देखिए मेरे पीछे भाई बच्चे भी आ चुके हैं, पता है ना आपको बच्चे बड़ों को फॉलो करते हैं, बस वही वाला सीन यहाँ पे हुआ है। फ्रेंड्स, आज का जगलिंग चैलेंज तो मैंने कर लिया कंप्लीट और आज मैंने बड़ी बॉल से पूरी 1000 जगलिंग करी और काफी अच्छा लग रहा है, काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है। और आज तो नहीं हो पाया बट मैं कल से एक और चीज करूंगा, अपनी टाइमिंग भी नोट करूंगा जगलिंग करते हुए कि मैं कितनी देर में जगलिंग कंप्लीट कर रहा हूं, ताकि जब 30 डेज कंप्लीट हो जाए तो मैं अपनी टाइमिंग को कंपेयर कर लूं। और वैसे ग्राउंड में तो इंप्रूवमेंट काफी दिख ही रही है, बट हम टाइमिंग भी कंपेयर कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फिलहाल जगलिंग चैलेंज कंप्लीट हो चुका और फ्रेंड्स, इस नए ट्राइपॉड का बहुत फायदा हुआ मेरे को, क्योंकि इसमें ये फ्लेक्सिबल है तो मैंने इसको मतलब अलग अलग एंगल से शॉट लेने की कोशिश करी। मतलब मैं तो जगलिंग कर रहा था बट मैंने अपनी बहन को बोल दिया था कि तू इधर उधर ट्राइपॉड रख के मस्त से एंगल ले लियो वीडियो के। चलते हैं नीचे, लंच का टाइम हो चुका है, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नीचे जा ही रहा था अपना हाथ वो धो के लंच करने, बट मेरे को तभी एक बात याद आई, मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं कि कल मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था चैलेंज की, बट मैंने कल चैलेंज करा था। और कारण ये है कि फ्रेंड्स, अभी नीचे खुदाई चली तो आपको अभी भी आवाज़ आ रही होगी ड्रिल मशीन की, तो कल तो इतना ज़्यादा शोर था कि मैं कल वीडियो बिल्कुल भी शूट ही नहीं कर पाया। बट मैंने कहा आज भी आ रही आवाज़ तो, बट फिर भी मैंने कहा कि आज तो वीडियो शूट करनी है और मतलब ट्राइपॉड लेने भी जाने तो उसका भी व्लॉग बनाएंगे और फुटबॉल का चैलेंज देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये तो वैसे भी हमारा प्यार है और इसके बिना हम कहाँ रह सकते हैं। तो फिलहाल अभी जाता हूँ नीचे। फ्रेंड्स, आप पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है, मतलब आँख में जा रहा है, मतलब पसीना, फिर जलन हो रही है। तो फिलहाल अभी नीचे जाता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, उसके बाद लंच करेंगे और फिर मेरे को थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग में भी जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको नीचे। सो फ्रेंड्स, मैंने लंच तो कर लिया और आज मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए इन वाले शूज़ को ले जाने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाले शूज़ मेरे फट चुके हैं पूरा, तो अब इनसे खेला नहीं जा रहा। और मैं इनकी रिव्यू वीडियो भी शूट करने वाला था बट अभी मेरे दोस्त ने बोला कि उसके यहाँ के जो मोची अंकल है वो काफ़ी अच्छा सिल देते हैं शूज़ को, तो अभी फिलहाल मैं इसको आज अपने दोस्त को ही देकर आऊँगा, तो कल उनसे सिलवा देगा। तो फिलहाल अभी कल तो वीडियो बन नहीं सकती इन शूज़ की रिव्यू वीडियो, पर परसों जब ये सिल के आ जाएंगे एकदम ठीक होकर आ जाएंगे तब मैं इनकी रिव्यू वीडियो बनाऊँगा और 6 मंथ की रिव्यू वीडियो बनाऊँगा कि मतलब 6 महीने मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे मतलब कैसा लगा इस शूज़ के साथ खेल के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी वो आपके लिए और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये शूज़ कैसे हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं अपने ट्रेनिंग के लिए इन शूज़ को लेके, ये मेरे ट्रेनर्स हैं और इनको मैं घर पर भी यूज़ करता हूँ। तो चलिए करते हैं अपना बैक पैक। सो फ्रेंड्स, अब हो चुके हैं हम रेडी अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे खत्म। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।